अपनी इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम कैसे कमाया जाए जानेंगे इस वीडियो में, पांच इन्वेस्टमेंट्स को एग्जांपल लेके। नंबर एक, एफडीज। एफडी में जब आप साल का एक इंटरेस्ट कमाते हैं उसके साथ आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक, आप उस इंटरेस्ट को वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्ज करिए आपने 1,00,000 रुपए की एफडी कराई हुई है, 6% आपको ब्याज मिलता है, तो आपके साल का जो 6,000 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा, आप बैंक को बोल सकते हैं कि ये 6,000 रुपए अब वापस मेरे 1,00,000 में जोड़कर 1,06,000 रुपए अब मुझे दूसरे साल 6% इंटरेस्ट दीजिए। तो ये होता है इंटरेस्ट रीइन्वेस्टेड। लेकिन आप उस इंटरेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि वो जो 6,000 रुपए साल में मैं कमाऊंगा वो आप मुझे दे दो, वो 1,00,000 बैंक में रहने दो, उस पे हर साल एक इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट जुड़ेगा वो आप विड्रॉ करके मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। इससे एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। अब ये नेचुरली रिटायर्ड या बुजुर्ग लोगों के लिए काफी अच्छा है। थिंक ऑफ इट लाइक अ पेंशन। और अगर एफडी का अमाउंट बहुत बड़ा हो तो एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न पे भी आपको एक बहुत अच्छी रेगुलर इनकम मिल सकती है। बड़ी चीज इसके साथ ये है कि ये टैक्स होता है, तो जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पे आपके इनकम टैक्स के स्लैब के तहत आपका टैक्स डिडक्ट करके ही आपको वो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। और यह है पहला तरीका इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कमाने का। दूसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब कभी भी आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो आप उसको ब्याज देते हैं। फर्ज करिए कि एक कंपनी है, उसको एक नई फैक्ट्री खोलनी है या कोई इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदने हैं या जो भी, तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। अब वो पैसे उठाने के लिए वो बैंक के पास जा सकता है, लेकिन काफी बार कॉर्पोरेट्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोगों के पास भी आते हैं बोलने के लिए कि हम एक लोन चाहते हैं एंड उस लोन के तहत हम आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देंगे। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये एक ऐसा लोन है जो आप कंपनी को देते हैं और कंपनी आपको फिर उस पर ब्याज देती है। द वे दैट इट वर्क्स इज कॉल्ड अ कूपन रेट। तो फर्ज करिए कि आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं 10% कूपन रेट 1,00,000 रुपए का, तो आपको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, विच इज 10% ऑफ 1,00,000 रुपए। और अगर ये 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का बॉन्ड है तो उस बॉन्ड के खत्म होने पे आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिलेगा। तो अगर 3 साल का बॉन्ड है, कूपन रेट 10%, तो 3 साल तक आपको 10,000 रुपए मिलते रहेंगे और 3 साल बाद आपको वो पूरे 1,00,000 रुपए वापस। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू जनरेट रेगुलर इनकम। एंड बेस्ट है कि ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे आता है, जस्ट लाइक अ एफडी, एंड यूजली एफडी के रेट से ज्यादा होता है। इसका बड़ा चैलेंज क्या है? नंबर एक, ये भी टैक्स्ड होता है एंड इनकम टैक्स के तहत ही होता है। नंबर दो, और उससे भी बड़ा चैलेंज है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने तो बैक नहीं किया है, ये कंपनी है। कंपनी कल को नहीं चली, मैनेजमेंट चेंज हो गई, कुछ रेगुलेशन आ गया, कहीं कोई सप्लाई में इशू हो गया, बैंकक्रप्ट हो गई, आपके पूरे के पूरे पैसे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो बॉन्ड या इंटरेस्ट पे करने के पैसे भी नहीं रहेंगे। नाउ हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? उसके लिए हर कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट किया जाता है बाय अ CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इस बॉन्ड के वैल्यू या औकात को रेट करती है। सबसे बड़ी औकात होती है AAA। तो अगर आप एक AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, CRA या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली ये बोल रही है कि आपके पैसे वापस मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। अगर AA है तो उससे थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी, अगर SA है तो उससे थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी, फिर BCD ऐसे रेटिंग्स आते हैं, एंड जितनी कम रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो लालच भर भर के है, लेकिन इसमें बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा, इसमें बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बोलना है कि यार इतना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो एक रैंडम वारिकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, वो कंपनी अगर कल को बंद हो गई आपके पूरे के पूरे कैसे गए। मेरी राय, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो AAA, AA और एट मोस्ट SA बॉन्ड्स ही खरीदिए। तीसरा,
रियल एस्टेट। रियल एस्टेट खरीदते हैं, चाहे वो घर खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, ऑफिस खरीदेंगे, और खरीद के उसका उस पे किराया खरीद के खरीद के अगर उसको किराए पे चढ़ा देंगे तो आपको एक रेगुलर इनकम मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। ये एयरबीएनबी के चलते रेजिडेंशियल में भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। रेजिडेंशियल की जो रेंटल इनकम होता है वो यूजुअली कम होती है, बहुत बिटवीन 1-3% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर आपकी पूरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है फर्ज करिए, तो आपको साल का 1-3 लाख रुपए किराया मिलेगा मोटा मोटा। ऑफ कोर्स हर शहर में अलग होता है, कॉलोनी का अलग होता है, सोसाइटी कितनी नई है पुरानी है वो सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप उसी रेंटल को एयरबीएनबी में कर देते हैं, अगर वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पे है, या बहुत हाई डिमांड शहर में है, तो यू कैन अर्न एज हाई एज 6-10% एज वेल। ऑफिस या कमर्शियल रिटेल रेंटल जो है वो यूजली हाई होता है, 6-8%, कभी कभी 10-12% भी हो सकता है। पर रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पैसा बहुत चाहिए, लाइक 50 लाख, 1 करोड़, ये तो ऐसे ही रैंडम कम नंबर होते हैं। तो कहीं भी अगर आप एक बहुत बढ़िया घर खरीदने जाएंगे या बहुत अच्छी दुकान खरीदने जाएंगे जो कि बन चुकी है, तो रेंटल फ्रॉम डे वन मिल सकता है, इट बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एंड दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन। प्लस बैंक मार्केट का चक्कर कि कैश का कंपोनेंट बहुत होता है, लोन फिर मिल जाएगा तो वो लोन में ही आप पैसे देते रहेंगे, तो जितने आप कमाएंगे नहीं रेंटल में उतने आप बैंक को दे देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। रेंटल इनकम भी 100% टैक्स्ड होती है। तो रेगुलर इनकम के लिए रियल एस्टेट नॉट माय डिजायरेबल कप ऑफ टी। मैं तो हमेशा पैसे गवा के ही बैठा हूं अगर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो आई वुड पर्सनली नॉट डू इट। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा है, विच इज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है? थिंक ऑफ देम एज स्टॉक्स या शेयर्स एक रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए। तो फर्ज करिए वारिकू एक रियल एस्टेट कंपनी है और उसने कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है, उसका वो एक REIT फ्लोट करेगा स्टॉक मार्केट में। डीमैट अकाउंट चाहिए होगा बकायदा, जैसे आप HDFC या SBI या रिलायंस के स्टॉक खरीदते हैं, वैसे आप वारिकू रियल एस्टेट के भी स्टॉक या REIT स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो जो भी रेंटल इनकम होगी उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, दैट विल डिटरमिन कि इसका REIT का प्राइस कैसे कैसे बढ़ेगा। सो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन एन REIT एंड एंजॉय द रेंटल इनकम जो वो प्रोजेक्ट कमा रहा है विदाउट यू ओनिंग एनी प्रॉपर्टी इन दैट प्रोजेक्ट। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स का REIT है, ब्रुकफील्ड इंडिया का REIT है, एम्बेसी ऑफिस का REIT है, बहुत सारे REITs नहीं है, मेरे ख्याल से 3 या 4 ही हैं, लेकिन बहुत सारे आने वाले होंगे। दिस इज अ चीपर वे, फास्टर वे, मोर लिक्विड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। फिर आता नंबर 5, डिविडेंड स्टॉक्स। ये कौन से स्टॉक्स हैं? एक्चुअली डिविडेंड क्या होता है? जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है, यूजली उसके पास 2 ऑप्शन, या तो उस प्रॉफिट को वापस कंपनी में इन्वेस्ट करे टू ग्रो द कंपनी मोर। अब वो बिजनेस में हो सकता है, कोई और बिजनेस खरीदने में हो सकता है, कोई नया बिजनेस बनाने में हो सकता है, दैट इज द चॉइस, लेकिन वो रीइन्वेस्ट होगा इनटू द बिजनेस। दूसरा ऑप्शन होता है कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनमें बांट दे, एंड दैट इज कॉल्ड अ डिविडेंड। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके डिविडेंड पर ही रेगुलरली देते हैं, एंड इफ यू बाय दो स्टॉक्स देन यू गेट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देम। बेस्ट चीज क्या है कि स्टॉक्स बेचने नहीं पड़ते टू गेट दैट डिविडेंड। इनफैक्ट अगर स्टॉक्स आपके पास है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो एक कट ऑफ डेट होती है, एंड उस कट ऑफ डेट पे जो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जितने जितने भी यूनिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यूजली पर यूनिट अनाउंस होता है, तो लेट्स से 2 रुपए पर स्टॉक या 50 पैसे पर स्टॉक, तो जितने भी आपके स्टॉक्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय जितना भी डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो आपको मिलेगा। टिपिकली डिविडेंड 1-2 मैक्सिमम 3-4% हो जाता है। That means, अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए जो कि साइजेबल अमाउंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो इट बिकम्स लाइक रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट से एक अच्छी चीज ये है कि जो स्टॉक है वो थोड़ा सा रियल एस्टेट से ज्यादा जल्दी या ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट होता है। तो रियल एस्टेट का कैपिटल अप्रिसिएशन, जो तो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी भी तो वैल्यू बढ़ रही है ना, वो ऑन एन एवरेज 6-8% साल की बढ़ती है, लेकिन स्टॉक्स ऑन एन एवरेज 8-12% बढ़ते हैं। सो दैट इज अ मीनिंगफुल डिफरेंस आउट देयर। डिविडेंड जो है वो आपको रेगुलरली मिल रहा है। व्हिच ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 6, इक्विटी या स्टॉक मार्केट में आप एक रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं। अब कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है,
लेकिन एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कॉल्ड दी SWP, द सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है, नॉट डायरेक्टली बट बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड SWP। इसको जानते हैं एक एक्सेल शीट के थ्रू। इसमें मैं बहुत सारे अजम्पशंस लूंगा, लेकिन वो अजम्पशंस मोटे मोटे बैठेंगे, तो वी विल सी वेयर इट गोज। मैंने क्या किया है, 2017 से 2023 जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट रही है मंथ ऑन मंथ, वो कैप्चर करी है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2017 में स्टॉक मार्केट जो है वो 4.59% से बढ़ा था, फरवरी में वो 3.72 से बढ़ा, फलाना फलाना। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में जो कोविड आया था उसका स्टॉक देखिए कैसे गिरा था, राइट? तो -6.36, -23.25%, सो काफी गिर गया था, फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। एंड फर्ज करिए कि आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं इसी स्टॉक मार्केट का, ₹10 में इन जनवरी ऑफ 2017। म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं, यू बाय इट नॉट एट अ स्टॉक प्राइस बट समथिंग कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो वो जो है हम ₹10 मान के चलते हैं, जो कि यूजली अगर एक नया फंड लॉन्च हो रहा होता है प्राइस होता है। तो जनवरी एट एंड 2017 में उस एनएवी, उस म्यूचुअल फंड का एनएवी 10.46 हो गया होता, क्यों? क्योंकि वो 4.6% से बढ़ा है। फिर 10.85, 11.21, 11.37 चलते चलते 2023 दिसंबर तक अगर हम आएंगे तो वो ₹26.5 मोटा मोटा हो चुका है। फर्ज करिए कि आपने 2017 में जनवरी में ₹10,00,000 के ये यूनिट्स खरीदे, आप ₹10 पे खरीद रहे थे तो आपके पास 1,00,000 यूनिट थे। एंड आपके 6 साल के अंदर, मतलब दिसंबर 2023 में, इस 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 26,50,000 मोटा मोटा हो चुकी है। एट दिस पॉइंट यू स्टॉप इन्वेस्टिंग। तो आप लाइक, यार ये ₹10,00,000 बढ़ चुके हैं, 26 लाख बन चुके हैं, बड़ा अच्छा है, अब मुझे इससे पैसे निकालने हैं, तो आई हैव टू जनरेट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। एंड आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितने निकालने, तो आप बोलते हैं कि मुझे ₹20,000 निकालने। इन्फ्लेशन नामक भी कोई चीज है, तो आज जो ₹20,000 आप निकालेंगे, अगले साल उस ₹20,000 की अहमियत तो कम होगी, तो वही ₹20,000 की अहमियत बनाने के लिए आपको उसको 6% से इंक्रीज करना पड़ेगा, करेक्ट? अब हम ये देखते हैं कि अगर आप ये करेंगे SWP का प्रोसेस, तो ये पैसा कब तक चलेगा। एंड मॉडल बोलता है कि 2023 में अगर आप सिस्टमैटिकली अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो 2050 में जाकर आपका पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब 27 साल तक वो पैसा बना रहेगा। हाउ डज दैट वर्क? आप बेसिकली क्या करते हैं, जितना भी उस महीने का रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने डिसाइड किया है ₹20,000 है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सिर्फ उतने के लिए आप अपने यूनिट्स बेच देते हैं। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो ये है कैलकुलेशन, और बहुत सारा इंटेंस कैलकुलेशन है, ये सारा घुसने की जरूरत नहीं है, बट मैं मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए, पहले महीने आपको ₹20,000 चाहिए, दूसरे महीने ₹20,100, क्यों? इन्फ्लेशन। तीसरे महीने ₹20,250, ऐसे ऐसे करके ये चलता रहेगा। 2050 में आपको करीब ₹95,000 चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि वो ₹20,000 बढ़ के अपनी अहमियत में अब ₹95,000 हो गए होंगे। एंड आप वो ₹95,000 ही निकाल रहे होंगे, हाँ ₹20,000 नहीं निकाल रहे होंगे, क्योंकि अहमियत तो उतनी रखनी है। अब आप देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैन 2024 में आपको करीब 480 यूनिट बेचने पड़ेंगे, आपके पास कितने यूनिट थे, 1,00,000 यूनिट। उस 1,00,000 में से आपको सिर्फ 480 यूनिट बेचने पड़ेंगे वो ₹20,000 कमाने के लिए। अगले महीने 465, अगले महीने 450, जहां जहां बहुत डिप कर जाएगा, मतलब वैल्यू गिर गई, आपको ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे, जहां वैल्यू बढ़ गई आपको कम यूनिट बेचने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि कभी कभी तो आप 436 यूनिट बेच रहे हैं, कभी आप 442 बेच रहे हैं, कभी आप 420 बेच रहे हैं, कभी आप 412 ही बेच रहे हैं। तो एवरी मंथ
जितने आप यूनिट्स बेचेंगे वो चेंज होते रहेंगे, पैसा जितना चाहिए वो कांस्टेंट है, एंड यू सेल ओनली टू मेक दैट मनी। एंड नेचुरली अगर आपको काफी पैसा चाहिए होगा तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू दैट, क्योंकि आप उसकी ग्रोथ के साथ साथ बेचे भी जा रहे हैं उसको, करेक्ट। तो यही 20,000 अगर 25,000 हो जाता है तो आपका पैसा 2039 में ही खत्म हो जाएगा। अगर ये 25 का 30,000 है तो 2035 में ही खत्म हो जाएगा। अगर ये 30 का 40,000 है तो 2031 में ही खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 7 सालों में। अगर ये 50,000 है तो 2029 में ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको 1,00,000 रुपए चाहिए तो 2027, 4 सालों में ही ये पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। सो नाउ दिस इज ऑल्सो वे फॉर यू टू थिंक अबाउट योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज तक हमें लगता था कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रो 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 करने के लिए, एंड हमारे को भी यही बोलता है 10 साल तक ग्रो करो करोड़ बन जाएंगे, 20 साल तक फोन करो काफी करोड़ बन जाएंगे, 40 साल तक करो इतने करोड़ बन जाएंगे कि गिने ही नहीं जाएंगे। बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट लाइक, नहीं यार मैं 10 साल या 15 साल अच्छे से इन्वेस्ट करूंगा, एंड फिर उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालकर उसको धीरे 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 अपने मंथली खर्चे के लिए निकालता रहूंगा। एंड आई हैव टू जस्ट इंश्योर थ्रू दिस मॉडल कि ये कब तक चलेगा। दैट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग रेगुलर इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो इन समरी, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट बन सकता है आपका रेगुलर इनकम, कॉर्पोरेट बॉन्ड का कूपन रेट बन सकता है आपका रेगुलर इनकम, रियल एस्टेट का रेंटल बन सकता है आपका रेगुलर इनकम, REIT का एप्रिसिएशन बन सकता है आपका रेगुलर इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स के डिविडेंड बन सकते हैं आपके रेगुलर इनकम, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपकी सिस्टमैटिक सेलिंग बन सकती है आपकी रेगुलर इनकम। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उस पैसे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे खुद की जिंदगी के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली एंड इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। आई होप ये यूजफुल था। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।